गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहां कहां जाती है। देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो प्रश्न है, जो जिनके उत्तर उनको देने में उत्तर देंगे तो ठीक है, अन्यथा ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते तब तक ये करते रहेंगे। दिल्ली के लोग इस जेल का जवाब कोर्ट से देंगे। इंडियन पॉलिटिकल लीग। और इस वक्त आपको बता दें, मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनामिका सिंह काली इस वक्त रामपुर से जुड़ी हुई हैं, सृष्टि पांडे संत कबीर नगर से जुड़े हुए हैं, और दरभंगा से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे, जानेंगे आज हम कि उनके क्षेत्रों में किस तरीके से जो उम्मीदवार थे वो वादे और दावे करते हुए नजर आए। लेकिन बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से आज बड़ी पूछताछ हुई है, अब सवाल यही है कि इस पूछताछ में निकलकर क्या सामने आया, हर कोई जानना चाहता है। क्या दुर्गेश पाठक ने भी किसी का नाम लिया, ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन घोटाले का जाम और कितने नाम, यानी कितने और ऐसे नाम है जो अभी भी ईडी की रडार पर है, ये बहुत अहम है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने को ईडी ने सम्मन किया और ईडी के पहले सम्मन पर ही दुर्गेश पाठक वहां पर पहुंच जाते हैं। ईडी के सम्मन पर दुर्गेश पाठक पेश होते हैं, सवालों का सामना करते हैं। शराब घोटाला मामले में दुर्गेश पाठक से आज पूछताछ चली, तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ चली। शाम 6 बजे ईडी दफ्तर से वो बाहर आए। गोवा चुनाव में चूंकि बड़ी भूमिका निभाई दुर्गेश पाठक ने, और चूंकि सीधा सीधा ये घोटाले का जो पैसा है इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था, इसीलिए दुर्गेश पाठक से तमाम सवाल जवाब ईडी ने किए। इसी के साथ ईडी का दावा यह था कि घोटाले का जो पैसा है उसका सीधा इस्तेमाल चुनावों में किया गया, लोगों को पैसे पहुंचाए गए, और ये आरोप इनके लिए ही पूछताछ की गई थी कि आखिर कहां पहुंचाए गए, कैसे पहुंचाए गए, कौन सा वो मनी ट्रेल है जो सामने आया था। केजरीवाल के पीए विभव से भी पूछताछ आज की गई। तो दिन भर आज एक तरह से कहें ये सियासी समीकरण दिल्ली से देखने को मिला है, लेकिन अभी कितने और नाम बाकी हैं ये बड़ा सवाल है। और अब किसका नंबर है बुलावे में ईडी के संबंध में, ये देखना अहम होगा। एक रिपोर्ट देखिए। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में, उनके नेता ईडी की रडार पर हैं। चुनावी साल है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ईडी के एक्शन को जहां बीजेपी भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने की साजिश करार दे रही है। सियासी गहमा गहमी के बीच ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, जिस बात का अंदेशा दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 1 हफ्ते पहले लगाया था वो आज सच साबित हो गया। सबसे पहले आपको आतिशी का 2 अप्रैल का बयान सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने बयान क्यों दिया था वो भी आपको याद दिला देते हैं। दरअसल ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। ईडी के इस दावे के बाद आतिशी भी हैरान परेशान नजर आई। कैमरा फ्रेंडली माने जाने वाली आतिशी कैमरे से भागती दिखी। एक दिन बाद जब सामने आई तो अपने और सौरभ के नाम के साथ साथ 2 और नाम जोड़ दिए। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने जिस दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का अंदेशा जताया था, ईडी ने उसे सम्मन पर पूछताछ के लिए तलब किया। दुर्गेश पाठक भी बिना टाल मटोल किए ईडी दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर आतिशी को कैसे पता था कि ईडी दुर्गेश पाठक से पूछताछ करेगी। ये समझने के लिए शराब घोटाले की कथित मनी ट्रेल और दुर्गेश पाठक की भूमिका को समझना होगा। पहले बात करते हैं दुर्गेश पाठक की। दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक है।
अन्ना आंदोलन से जुड़े होने की वजह से उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी भी माना जाता है। सितंबर 2022 में जब ईडी ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था, उस समय दुर्गेश पाठक वहीं मौजूद थे। ईडी की टीम ने उनका फोन भी जब्त किया था। अब आपको समझाते हैं कथित मनी ट्रेल मामले में दुर्गेश पाठक का नाम बार बार क्यों आ रहा है। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। उस समय दुर्गेश पाठक को गोवा का प्रभारी बनाया गया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले का पूरा पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। गोवा का प्रभारी और विजय नायर के ठिकानों पर मौजूदगी दुर्गेश की परेशानी का सबब बनी है। यही वजह है कि आतिशी को पहले ही पता था कि ईडी दुर्गेश तक जरूर पहुंचेगी। ईडी ने आज दुर्गेश पाठक से पूछताछ करने से पहले केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो विभव के बयान और कुछ दस्तावेजों के स्पष्टीकरण के लिए ही ईडी ने दुर्गेश को तलब किया। दुर्गेश ईडी दफ्तर पहुंचे तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। नहीं, ये रुकेंगे नहीं। इनको ऐसा इनका मानना है कि जब तक इनके प्लान और इनका स्ट्रेटजी ये है कि जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते तब तक ये करते रहेंगे। शराब घोटाला मामले में जहां आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, वहीं आप नेता संजय सिंह शराब घोटाले को इलेक्टोरल बॉन्ड से लिंक कर रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोटाले के तार इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप मढ़ा तो बीजेपी की तरफ से भी भ्रष्टाचार पर हमला बोला गया। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहां कहां जाती है। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। लोकसभा चुनाव करीब है, दिल्ली के सीएम जेल में है, जो नेता बाहर है उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ऐसे में जनता का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पब्लिक के बीच पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी का आप देखिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे लेके चलते, पर अरविंद केजरीवाल का देखिए पूरी की पूरी पार्टी कैसे करप्ट हो गई। जैसे जैसे ये भ्रष्टाचार इनके खुलते गए दिखते गए, आम जनता समझ गई है। जब प्राइम मिनिस्टर पे इंक्वायरी हो सकती है तो दिक्कत क्या है, उन पर इंक्वायरी हो गई तो अब जज सही है। आप पर अगर हो गई तो जज भी बिका हुआ है, वकील भी बिके हुए हैं, ईडी भी बिकी हुई है। भाई ऐसा है, अगर तुमने गलत करा है तो जांच तो होनी चाहिए, और नहीं भी करा तो भी जांच होनी चाहिए। जो तुमने रामलीला मैदान में कहा था उस पर आज तुम कितना प्रखर हो, कितना खड़े हो। शराब घोटाला मामले में पार्टियां जहां सियासत कर रही हैं, वहीं ईडी भ्रष्टाचार के पूरे सिंडिकेट को परत दर परत तलाश रही है। अब देखना यह होगा कि ईडी की रडार पर और कितने नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।